हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल में एक बार फिर स्वागत। राजमान सिंह माली, आज रेट जीरो प्रॉपर्टी हीरो वाले सेगमेंट में आपको ये अलग प्रॉपर्टी दिखा रही है, जो सरहंद और चंडीगढ़ मेन रोड के ऊपर एक घर है, जो पुराना है लेकिन लिवेबल है। हम इसको लिवेबल कह सकते हैं क्योंकि इसका लेंटर वगैरह है, जो कोई उसमें सीपेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है। थोड़ा सा जो लकड़ी का काम है वो थोड़ा, दरवाजे वगैरह ठीक पड़े हैं लेकिन थोड़ा जो चौकाठे हैं उनको थोड़ी दीमक है। तो चलो, मैं इसको इस एंगल से नहीं देख रहे हम, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है कमर्शियल प्रॉपर्टी है। चुन्नी से, यहाँ चुन्नी कस्बा एक और बडाली कस्बा है, चुन्नी और बडाली का दोनों का डिफरेंस है जो 3 किलोमीटर का है और हम बिल्कुल उसके बीच में खड़े हैं। मतलब 1 किलोमीटर चुन्नी, 1 किलोमीटर, 1.25 किलो, 1.5 किलोमीटर बनाली, और हमारे सामने लापिनोज पिज़्ज़ा सामने है, ब्रिस्टा सामने है, ड्रीमलैंड कॉलोनी बिल्कुल सामने है, ये मान इंडस्ट्री है ये सामने है। और इस घर की जो खूबसूरती है वो क्या है कि ये देखने में तो रेजिडेंशियल है लेकिन 100% ये कमर्शियल यूज़ होने वाला है। तो ये जो फ्रंट है इसका, तकरीबन यदि हम यहाँ से शुरू करें जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, तो यहाँ से ये शुरू करें, ये 61 फुट के आसपास चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मतलब त्रिकोण है, इसलिए इसका फ्रंट थोड़ा ज़्यादा है। यदि हम पीछे से राइट एंगल में भी फ्रंट लें तो 54-55 फिट का फ्रंट इसमें निकलेगा। मतलब यदि हमने 18 फिट के शोरूम बनाने हो, 3 शोरूम इसमें बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास के शोरूम निकलेंगे। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई 99 फुट के आसपास है, रजिस्ट्री 510 गज की है और इस पे कब्जा जो है, कब्जा तकरीबन 600 गज के आसपास बनता है। तो ये जो है कॉर्नर का मकान है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये साइड वाली वाल है, जो इसमें भी इन्होंने गेट लगाया हुआ है, ये गेट लगा हुआ है। ये यहाँ पर छोटा रास्ता है, गांव के हिसाब से छोटा रास्ता जरूर है लेकिन यूज आप कर सकते हो, नहीं करना ना करो, किसी ने नहीं, इन्होंने नहीं किया कभी। तो ये जो घर है ये आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया बना हुआ था लेकिन ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी इसको, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें बहुत बढ़िया रहने के लिए, लेकिन जिसने रहना तो वो थोड़ा बहुत ही रिपेयर करा के इसमें रह सकता है। मैं कहूँगा ये अंदर, ये देखो बाथरूम देखो, यदि आप यहाँ तो सफाई नहीं है लेकिन बाथ टब वगैरह भी लगे हुए हैं इसमें, बाथ टब लगे हुए हैं, किचन बहुत खुली है, बेडरूम बहुत खुले हैं, ये पुरानी कैंची गेट लगा हुआ है और ये किचन है, किचन का जो बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ी किचन है अंदर बनी हुई। और इसमें ये पीछे जो सर्वेंट रूम वगैरह बने हुए हैं, तो आप देख सकते, पानी का भी इंतजाम बीच में है। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही बढ़िया रेट में मिल रही है। और यदि हम इसका कंपैरिजन बडाली से करें जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट है तकरीबन 1,50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच में है। और यदि हम चुन्नी की बात करें, चुन्नी का रेट है कम से कम कमर्शियल प्रॉपर्टी का 50,000+ का रेट है। तो ये प्रॉपर्टी जो हमें 15,000 के आसपास में मिल सकती है, यदि हम इसमें 15,000 रुपये गज के हिसाब से बेच मतलब करें, इसमें 3 शोरूम निकल जाएंगे। यदि हम 33 फुट आगे भी छोड़ना है इसको, वो भी छोड़ सकते हैं, पार्किंग के लिए भी छोड़ सकते हैं, फिर भी हमारे पास 66 फिट का बन जाएगा। मतलब 18x66 के 3 शोरूम आराम से बन जाएंगे। आगे वाली जो पार्किंग है वो छोड़ दो। इसमें और एक प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट ये है कि ये प्रॉपर्टी गैर मुमकिन किस्म की प्रॉपर्टी है। गैर मुमकिन का मतलब है इसमें हमें गवर्नमेंट से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, आप अपने तरीके से इसको बना सकते हो, कोई जिस तरीके से आप चाहो। हाँ ये ठीक है, रोड जो बड़ी है, रोड कल चौड़ी हो जाए उसके लिए आप उन्हें छोड़ना है, पर इसके जो 99 फुट लंबाई है उसमें 33 फुट छोड़ भी दोगे तो रोड के लिए 33 फुट इधर हो गया, 33 उधर हो गया, 66 फुट हो गया। तो इसका मतलब 33 फुट छोड़ने के बाद भी आपके 3 शोरूम बहुत बढ़िया तैयार हो सकते हैं। छोटी मार्केट कोई डिवेलप करने वाला बंदा हो वो डिवेलप कर सकता है। बहुत बढ़िया रेट में प्रॉपर्टी आ रही है, बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, रेयर प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी बार बार नहीं मिलती। कोई इंटरेस्टेड सज्जन है जो ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इनके ऊपर बात करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कागज पत्र सब हमारे पास हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्रियाँ वगैरह सब हमारे पास हैं,
कोई भी किसी तरीके की परेशानी की बात नहीं है। ये एक इसमें कहावत मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जीवित हाथी 1 लाख रुपए का होता है और मरा हुआ हाथी 5 लाख का होता है। ये जिस दिन घर तोड़ दिया उसी दिन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने वाली है। इसको आप विजुअलाइज करो, करके देखो कि ये घर नहीं है आगे, और पीछे आपने शीशे लगा के शोरूम बनाया और बनाया अच्छे तरीके से, मतलब डेवलप किया, तो आप समझ सकते हो कि इसमें से क्या निकल सकता है। सो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेस्ट है। आप मेरा हिसाब से जब जिस दिन ये प्रॉपर्टी आप विजिट करोगे इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका रेट है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यदि हम शहरों में बात करें 15-20 हज़ार रुपये रेट तो छोटे छोटे कस्बों में हो चुका है, और ये 15 हज़ार रुपये में आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलने वाली है। बाकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो बात कर सकती हैं, आके इसके कागज़ पत्र देख सकती हैं, विजिट कर सकती हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे बात करके, चाबी हमारे पास है, कागज़ पत्र हमारे पास हैं, ये आप देख सकते हो। जिस दिन भी आपको आना चाहो आप टाइम लेके आना, कहीं कोई बार बंदा आपको दिल्ली से आ रहा है बिना टाइम दिए आ गया तो हम यहाँ पर ना मिले तो उसकी परेशानी रहेगी, तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि जिस दिन भी आपने आना है टाइम लेके आना है। इस तरीके से आप टाइम लेके आओगे तो हम कागज पत्र भी आपको सामने आपके सामने रख सकते हैं, चाबी भी हमारे पास होगी, हमारा स्टाफ भी यहीं पर होगा, आप इसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।